नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि भोजपुरी सिनेमा अभिनेता पवन सिंह ने तीन तीन महिला अभिनेत्रियों के जीवन को खत्म करने का प्रयास किया है। पवन सिंह की गंदी अभिनय का बहिष्कार नेशनल इक्वल पार्टी करती है। बहन नीलम सिंह को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। बिहार की बहन अक्षरा सिंह को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। बागी बलिया यूपी की बहन ज्योति सिंह से शादी कर एक दिन में छोड़ देना और सोशल मीडिया पर बदनाम करना, यह सब पवन सिंह कर रहे हैं। पवन सिंह जैसे कलाकारों के चलते भदोही की बहन आकांक्षा दुबे ने इसी वाराणसी में आत्महत्या कर ली। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि पवन सिंह और उनके गंदे साथियों को हिदायत देता हूँ। कहा कि कलाकार माँ बहनों बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और मर्यादा में रहो। बहन अक्षरा सिंह से सार्वजनिक माफी मांगे और बहन ज्योति सिंह को पत्नी का सम्मान दे, वरना पवन सिंह का भी हाल रावण कंस शकुनी जैसा होगा। नेशनल इक्वल पार्टी तब तक नहीं मानेगी जब तक पवन सिंह माफी नहीं मांगते। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से अपील, जो महिलाओं का सम्मान ना करे उसको लाइक करना बंद करें, उसका गाना सुनना तथा फिल्में देखना बंद करें। ऐसा कहना है नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का। मुख्य रूप से उपस्थित शशि प्रताप सिंह, राम बच्चन यादव, रवि सिंह पटेल, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, सत्येंद्र सिंह, विजेंद्र पाल, अनुराग पटेल, सूरज यादव, सोनू लाल उपस्थित रहे। भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, इसने बिहार और उत्तर प्रदेश की हमारी माँ बहन बेटियों को जो बदनाम करने का काम सोशल मीडिया पर लगातार कई वर्षों से कर रहा है, जिसको बिहार और यूपी के लोगों ने लाइक करके और व्यूज बढ़ाकर इसको स्टार बनाया, और स्टार बनाने के बाद यह अहंकारी इतने अहंकार में चूर हो गया कि इसने तीन तीन बहन बेटियों को अपमान करने का, जलील करने का काम किया है। इसने सबसे पहले नीलम सिंह को मजबूर किया आत्महत्या करने पर, फिर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मजबूत चेहरा और सुपरस्टार अक्षरा सिंह को इसने सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके साथ जो चाटुकार दो चार दस लोग हैं, इन सबों के माध्यम से इसने अक्षरा सिंह को बदनाम किया। अक्षरा सिंह को बदनाम करने के बाद बलिया की बेटी ज्योति सिंह के साथ शादी रचाई, और अब शादी रचाने के बाद भी ये व्यक्ति दूसरे के साथ रंगलिया मना रहा है। अब बहन ज्योति सिंह कोर्ट का चक्कर लगा रही है न्याय के लिए। आज नेशनल इक्वल पार्टी की पूरी टीम, मैं शशि प्रताप सिंह इस बात की घोषणा करता हूं, इसका पुतला अभी फूकूंगा, जूता से मारूंगा कि जो यूपी बिहार के लोगों ने तुमको आसमान में पहुंचाया हीरो बनाकर और गायक बनाकर, वही तुमको जीरो बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी आज से शुरुआत कर रही है। और जब तक तुम देश से, अक्षरा सिंह से, बहन ज्योति सिंह से माफी नहीं मांगोगे और ज्योति सिंह को जब तक अपनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे लिए तुमको हम लोग कहीं का छोड़ेंगे नहीं। आप पूरे देश में घूम घूम कर सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों को बताया जाएगा कि ना इसका कोई पिक्चर देखे, ना इसका कोई गाना सुने, और ना ही इसको कोई लाइक करे, और ना ही इसको कोई व्यूज दे, क्योंकि यह अहंकारी हो गया है रावण की तरह, कंस की तरह। इसके अहंकार को हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि इसने सबसे पहले महिला बहन बेटियों को अपमान करने का, जलील करने का काम जो विगत कई वर्षों से करता आ रहा है, और एक नंबर का सुनने में जो सोशल मीडिया से आता है कि बहुत बड़ा दारूबाज भी है, ऐसे लोगों को अगर हम लोग लाइक करते रहें और व्यूज इसके बढ़ाते रहें, तो ऐसे बदनाम और गंदे लोग हमारे आने वाली बहुत सी बहन बेटियों को, जो कलाकार बनकर बम्बई दिल्ली कलकत्ता महानगरों में अपनी कला को प्रदर्शन करती हैं, उन लोगों को यह इसी तरह डसता रहेगा।
यह तीनमुहा सांप है, यह तीनमुहा सांप है, तीन लोगों को डसने का अभी तक काम किया है। अगर अब भी हम लोग जागरूक नहीं हुए अपनी माँ बहन बेटियों के लिए, तो यह इस तरह का दरिंदा है जो आगे भी करता रहेगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।